नमस्कार, मैं राजपत यादव सभी रहवासियों सभी नागरिकों को होली व रंग पंचमी की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। करीब करीब एक साल पूरा हो गया है, एक साल से हम आगे बढ़ रहे कोरोना महामारी में, और कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से 2020 में मार्च महीने में था उससे भी तेजी से इस समय है। सभी भाइयों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से नम्र निवेदन है कि आप इस होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं, ग्रुप में न जाएं, न दूसरे पे एक दूसरे पे पानी फेंकें, न उस तरीके से करें, एक दूसरे को हार्दिक शुभेच्छा दें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और मास्क हमेशा उपयोग करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। महाराष्ट्र के गाँवों में, करीब कई जिलों में लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। मेरा एक ही विनंती है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस लॉकडाउन से हम बच सकते हैं, नहीं तो हमें अगर इसी तरीके से कोरोना महामारी बढ़ता रहा तो हमें लॉकडाउन का हो सकता है सामना भी करना पड़े। और एक लॉकडाउन की वजह से हम कितनी परेशानी झेल चुके हैं ये हम सब वाकिफ़ हैं। तो मेरा एक ही नम्र निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप होली का त्यौहार जितना सादगी से हो उतने सादगी से मनाइए। एक कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेगी। हम इस कोरोना महामारी के जंग में जीत गए तो अगले साल हम और धूमधाम से मना सकते हैं। यही मेरा आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।